नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर जोन की तरफ से नई अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। इसी के बारे में पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रखा गया है। गाइज गाइज अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देख लो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों रेलवे की तरफ से नई अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन आ चुका है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर जोन की तरफ से आया है और यहाँ से आईटीआई पास कैंडिडेट को मौका दिया गया। इसी के बारे में पूरा डिटेल वाइज नोटिफिकेशन देखने वाले हैं आपको। इसके लिए पहले आपको साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर जोन के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। इसके बाद आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट डिवीजन ऑफ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे वाले में जोन में आ जाना है, SCR की जोन पर। इसके बाद आपको यहाँ पर आपको डिवीज़न सेलेक्ट करना है। डिवीज़न में आपको बिलासपुर, इसके बाद पर्सनल में नोटिफिकेशन पे जाएंगे तो आपको इस तरीके से नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन दिया गया, इंगेजमेंट ऑफ द एक्ट अप्रेंटिस साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे SCR बिलासपुर डिवीज़न जो 22-23 सेशन 2023-24 अंडर एक्ट अप्रेंटिस रूल 1992 किंडली अपलोडेड 10+ ITI मार्क्स। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से क्लिक करके मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। ये रही आपकी डिटेल वाली नोटिफिकेशन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे सिकंदराबाद। यहाँ पर पर्सनल डिपार्टमेंट और डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस बिलासपुर जोन की तरफ से ये अप्रेंटिसशिप का फॉर्म निकाला गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट में यहाँ पर मेंशन किया गया एक्ट अप्रेंटिस के लिए ये फॉर्म है, यहाँ पर पूरा मेंशन किया गया है। आपकी जो अप्रेंटिस है 2023-24 के लिए यहाँ पर निकाला गया है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए बताया गया है। आपको फॉर्म जो DGT की वेबसाइट है apprenticeshipindia.gov.in इस वेबसाइट पे आपको आना है और यहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है 3/5/2023 से। आप 3/6/2023 तक आप फॉर्म ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो यहाँ पर डेट भी दिया गया, टाइमिंग भी मेंशन की गई 23:59। ये आपकी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर जोन की तरफ से निकाला गया, जिसे SECR रेलवे जोन बोलते हैं, जो यहाँ से फॉर्म निकाला गया। तो आप यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जैसे आप यहाँ पर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे कि रेलवे को आप वहाँ पर सर्च करेंगे तो वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। आपकी अप्रेंटिस 1961 एक्ट के अंतर्गत होने वाली है। जो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो लगभग 18 ट्रेड को यहाँ पर मौका दिया गया है। अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहले तो आप यहाँ पर कारपेंटर से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल 25 सीट है और कोपा के लिए यहाँ पर दिया गया है 65 डिवीजन में है और 25 हेडक्वार्टर में है। टोटल मिला के 100 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। इसके बाद ड्राफ्टमैन सिविल के लिए यहाँ पर 6 पोस्ट है और इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर दिया गया है, जो यहाँ पर 105 पोस्ट है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए यहाँ पर 6 पोस्ट है और फिटर के लिए यहाँ पर 135 पोस्ट है और मशीनिस्ट के लिए यहाँ पर आपकी 5 पोस्ट होने वाली है। और आपकी पेंटर के लिए यहाँ पर 25 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है और प्लम्बर के लिए यहाँ पर 25 पोस्ट है। मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन के लिए यहाँ पर 0 पोस्ट, कोई पोस्ट यहाँ पर नहीं है। इसके बाद शीट मेटल वर्कर के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है वो 4 पोस्ट पर है। और स्टोनो हिंदी इंग्लिश के लिए 25 डिवीजन और 25 हेडक्वार्टर में। टोटल यहाँ पर देख सकते हैं आपकी 25 पोस्ट की वैकेंसी निकाली, जो कि यहाँ पर 35 होना चाहिए, जो थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक दिया गया है। और आपको यहाँ पर स्टोनो के लिए निकाली गई 15 डिवीजन में और 15 हेडक्वार्टर में। तो टोटल यहाँ पर भी मिस्टेक किया गया, 20 पोस्ट की वैकेंसी है। इसको टर्नर के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 8 पोस्ट की वैकेंसी है और वेल्डर के लिए यहाँ पर 40 पोस्ट की है। आगे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर और जो वैकेंसी यहाँ पर बताई गई है वो यहाँ पर वेल्डर के लिए आपकी 40 पोस्ट पर थी और आपकी वायरमैन के लिए 15 है। गैस कटर के लिए यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है और डिजिटल फोटोग्राफर के लिए यहाँ पर 4 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई। टोटल 548 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पर बात करें क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है आपके लिए यहाँ पर बताया गया, आप
दसवीं पास हो, 10+2 सिस्टम की रिकॉर्डिंग, प्लस आपके पास रिलेटेड ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए, जो तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एज की गणना यहाँ पर बताई गई, आपकी एज जो होगी 1/7/2023 को आपकी एज 15 से 24 ईयर के अंदर होना चाहिए तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें SC ST और OBC कैंडिडेट को छूट मिलने वाला है। जो यहाँ पर SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 3 ईयर का छूट दिया जाएगा, 5 ईयर, और OBC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 3 ईयर, और एक्स सर्विसमैन PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 10 ईयर का छूट दिया जाएगा, जो आगे मेंशन भी किया गया है। तो आप इसको कम्युनिटी वाइज आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके बाद आपकी जो अप्रेंटिसशिप होगी वो 1 साल की होगी, जो यहाँ पर बताया गया है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस का क्राइटेरिया रखा गया है, जो मेरिट बनाई जाएगी, वो आपकी 10वीं+ITI के बेस पर बनाया जाएगा, यानी 10वीं से 50% दिया जाएगा। और ITI से जितना भी आप मार्क्स आप पाएंगे 10वीं में उसका 50%, ITI में उसका 50%, दोनों का एवरेज परसेंटेज लिया जाएगा। उसके बाद जोड़ने के बाद उसमें 50 2 से भाग कर दिया गया, 50+50 इसको 2 से भाग देंगे, तो उसके बाद आपकी जो भी मेरिट आएगी उसके आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। और इसमें एक शर्त रखा गया है कि आपके हाई स्कूल में आपके मिनिमम मार्क्स 50% होना चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड जो होगी वो अप्रेंटिस रूल 1992 के तहत आपकी होगी, जो आपको स्टेट गवर्नमेंट अथवा सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से बनवा के लेके जाना होगा, जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, जो फॉर्मेट आगे दी गई है। इसके बाद आपकी कंट्रैक्ट होगी, जो आपको यहाँ पर जनरेट होगा, जो अप्रेंटिस कंट्रैक्ट होगा जो यहाँ पर मेंशन किया। उसके बाद आपको ऑफर एक्सेप्ट फॉर एंगेजमेंट, यानी आपको अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत आपको ऑफर दिया जाएगा, जो अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर कंडीशन दिया गया, उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, जो यहाँ पर बताया गया 10% का रिजर्वेशन है। एक्स सर्विसमैन में किसको किसको मिलेगा वो यहाँ पर मेंशन है, जो यहाँ पर पूरे क्राइटेरिया बताई गई है कि जैसे आप जो आपके यहाँ पर जितने कंडीशन है वो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपके लास्ट डेट के लिए यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया, कोई भी दिक्कत हो तो आप हेल्पलाइन नंबर इतना पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आगे आपको हेल्पलाइन नंबर भी मिलेगा। यहाँ पर आप यहाँ पर जो आपका डेट दिया गया है वो इस डेट के बीच में आपको फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है, और आपकी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, और नो कोई आपकी यहाँ पर फिजिकल एप्लीकेशन नहीं भेजना है। इसके बाद आपकी जो यहाँ पर जनरल इंफॉर्मेशन दी गई है, आप सभी चीज़ आपको अपलोड करना है उस वेबसाइट पर, अन्यथा आपकी फॉर्म रिजेक्ट कर दिए। खास करके आपको 10वीं और ITI के मार्क्स आपको भरना ही भरना है, क्योंकि इसी के बेस पर आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। तो आप इसको यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद ये सब पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई भी दिक्कत होगी तो आप बेचक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। और आपको यहाँ पर ये नंबर दिया गया, तो आप लोग यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत है। फिर भी आगे नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर यही चीज़ हिंदी में दिया गया, तो इसको भी देख लीजिएगा, यहाँ पर मेंशन किया गया है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग जानते होंगे क्योंकि रेलवे से जो अप्रेंटिसशिप करता है उसको बहुत सारी बेनिफिट मिलते हैं। रेलवे में आपको 20% का कोटा दिया जाता है ओपन मार्केट की, जो भी लेवल 1 की सीट होती है, प्लस आपकी जो NCVT का 1/3 वेटेज दिया जाता है, आपकी जो अप्रेंटिस का मार्क्स मिलता है उसका वेटेज दिया जाता है। जो इसके बाद आपकी PET में भी छूट दिया जाता है, आपकी कोई PET नहीं होती जो यहाँ पर, फिर इसके बाद ही बहुत सारे आपको मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स 30 और 40 नंबर पर सिलेक्शन कर लिया जाता है इजीली। तो इसके लिए आपको यहाँ पर रेलवे बेस्ट ऑप्शन मिलता है। आप अगर अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, अगर आप ITI कर चुके हैं और आप अप्रेंटिसशिप करने की सोच रहे हैं, तो अप्रेंटिसशिप ITI से रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने पर बहुत सारा बेनिफिट मिलता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से अप्लाई कर लीजिएगा। धन्यवाद, कीप एंड टच।